हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज का जो दिन है वो मेरे लिए कोई बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं आज गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम्स देख पा रहा हूँ। तो जैसे मैंने नोटिस किया जब गाड़ी फर्स्ट सर्विस के बाद आई कि 15-20 मिनट चलाने के बाद एसी ऑन था, थोड़ा गाड़ी ज़्यादा हीट कर रही थी, मतलब बोनट आप छू नहीं सकते हो, और एक स्मेल सी भी आ रही थी, बर्निंग स्मेल। तो मैंने आज सुबह सर्विस सेंटर वालों को फ़ोन लगाया, सो दे आस्क मी टू कम डाउन टू देयर प्लेस, दे हैव अ लुक कि भाई क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। उसके जाने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरे लोकल मैकेनिक हैं उनको भी गाड़ी दिखाऊँ कि ऐसा गर्म नई नई गाड़ी क्यों हो रही है। मैंने कुछ अपनी भी स्टडी करी, कुछ स्क्रीनशॉट्स मैं यहाँ डाल दूंगा कि पहले भी यहाँ कई ऐसे इश्यूज आए हैं टाटा के साथ। सो आज चलते हैं और देखते हैं कि ये बेसिकली प्रॉब्लम क्या है और क्या सोल्यूशन वो इसका देंगे। तो अगर आपकी गाड़ी भी सेम इशू फेस कर रहे हो तो आप ये वीडियो देखते रहिएगा, आपको सोल्यूशन मैं होपफुली, क्योंकि मैं ये वीडियो अभी बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि शाम तक क्या सिनेरियो रहेगा, बट होपफुली कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल जाएगा कि ये इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो थोड़ा दूर जाना है तो पर पहले मैं अभी जा रहा हूँ गाड़ी में पेट्रोल डलवाने, फिर कुछ बिजनेस का काम है वो करके फिर चलेंगे। तो ये गाड़ी का आप देख सकते हो ये हीटिंग गॉज है, और इसमें अगर ये 3 तक हो रहता है तो ठीक है, 3 से ऊपर मतलब गाड़ी हीट कर रही है। अब तक चक्कर ये हुआ है कि मैंने सिर्फ कल बोनट देखा और एक हल्की सी स्मेल आई, मैंने ये नोटिस नहीं किया अब तक कि ये जो गाड़ी है ये 3 से ऊपर गया है कभी हीटिंग मीटर या नहीं गया है, या ये तो मुझे पता कि यहाँ कोई सिंबल नहीं आया है इंजन ओवरहीट का, बट ये मैंने नोटिस नहीं किया। तो आज मैं रास्ते पर ये नोटिस करते भी चलूँगा कि इसमें क्या है। और ये मैं अभी यहाँ राज मोटर्स है जहाँ से मैं गाड़ी ठीक कराता हूँ, वहाँ से मैं अभी लेकर आया हूँ। तो उनके अकॉर्डिंग तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि जयपुर में गर्मी बहुत पड़ रही है, इसलिए उनके अकॉर्डिंग थोड़ा सा हीटिंग मतलब गाड़ी ज़्यादा ही थोड़ी हीट हो गई होगी, और कोई इशू नहीं है। अब मैं पर एक बार सर्विस सेंटर भी लेकर जाऊँगा एंड आई विल गेट द फुल इन्फॉर्मेशन कि भैया ये क्यों होता है, कई बार गाड़ी इतनी गर्म क्यों हो रही है, बिकॉज आई एम स्टिल नॉट सेटिस्फाइड कि ये इतनी गर्म कैसे हुई थी कल। So I'm gonna take the car to the service center and get the car fully checked. कुछ अगर छोटा मोटा होगा तो we'll get it repaired, और अभी तो पैसे भी नहीं लगेंगे। जैसे गाड़ी छूने में भी काफ़ी गर्म है, मतलब मैं आपको ये चीज़ तो नहीं दिखा पाऊँगा वीडियो में क्योंकि ये आपको नहीं पता चल पाएगा, बट काफ़ी ज़्यादा गाड़ी गर्म हो रखी है इस समय पे। और मैंने इस बार नोटिस किया है तो 3 तो वो जो जो मीटर में 3 से ऊपर तो नहीं गया, मतलब ओवरहीटिंग तो नहीं हो रही है अकॉर्डिंग टू द कार इनबिल्ट सिस्टम, पर अब मैं देखता हूँ एक बार। और बोनट खोलने के बाद फिर से वो एक वेट सी स्मेल आई है, बर्निंग स्मेल है, तो वो अभी आई है। तो लेट्स सी कि क्या है। आई एम गोना टेक माय कार टू सर्विस सेंटर नाउ, और वहाँ पर आई ऑलरेडी हैड अ वर्ड विद वन ऑफ द गाइस डाउन देयर, सो ही टोल्ड मी टू ब्रिंग द कार एंड ही गेट इट फुली चेक्ड। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और यहाँ गाड़ी चेक होने आई है, सर्विस सेंटर पे गाड़ी चेक हो रही है, अब देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट निकलेगा, अगर कुछ है या नहीं है। तो मैं सर्विस सेंटर पे आया हूँ, अब देखते हैं गाड़ी में क्या इशू निकलता है, कोई मेजर इशू ना हो बस, आई होप सो। तो मैं सर्विस सेंटर से वापस आ गया और जो इशू था वो कोई बड़ा नहीं था, बट उन्होंने यही बोला कि अच्छा आप ले आए। एक्चुअली कई बार क्या होता है इंजन कंपार्टमेंट्स पे या इंजन के ऊपर या आसपास के कंपोनेंट्स पे ऑयल थोड़ा थोड़ा जमा हो जाता, तो जब गाड़ी धूप में आप चलाते हो तो इंजन थोड़ा सा हीट होता, तो उसकी वजह से वो स्मेल आती है। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम का वो निकला सोल्यूशन, प्रॉब्लम कुछ थी नहीं एक्चुअली, बट उन्होंने बोला कि अच्छा हुआ आप ले आए। दूसरी बात यह है कि इससे मुझे कुछ चीज़ें और सीखने को मिली, जैसे वैसे तो मेरी गाड़ी में कोई हीटिंग इश्यूज नहीं है, उनके अकॉर्डिंग दे हैव थरोली चेक द कार एंड दे फाउंड आउट दैट द कार हैज़ नो इश्यूज और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है समय पे, बहुत इनडेप्थ उन्होंने गाड़ी को चेक किया। बट उन्होंने मुझे बोला कभी अगर ऐसी दिक्कत हो जाए तो कुछ सोल्यूशन आप कर सकते हैं, जैसे सपोज आप हाईवे पे हो गए, लॉन्ग टूर पे हो, तो उसमें उन्होंने बोला कि अगर कूलेंट कम हो रहा है, ये एक मेजर रीज़न होता है कि हीटिंग का, तो आप उसमें एक बार के लिए पानी डाल के कूलेंट में गाड़ी को थोड़ा लोअर आरपीएम पे 1 किलोमीटर तक आप ले जाओ, ऐसा कोई इशू नहीं आता, नियरेस्ट मैकेनिक तक या कुछ तक, तो आप ये कर सकते हो। उसके अलावा अगर बहुत हीटिंग इशू हो रहे हैं, जो कि मेरी गाड़ी में नहीं है पर उन्होंने मुझे बता दिया कि कभी सपोज किसी और गाड़ी में भी आपको दिखे
तो आप ब्लोअर को ऑन कर दो तो वो सारी गर्मी जो इंजन के वो अंदर की तरफ ले आएगा, ऑल्दो उससे आपको काफी दिक्कत होगी पर एकदम से हीटिंग इशू रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये कुछ उन्होंने मुझे अच्छे टिप्स भी बताए और मैं सच बता रहा हूँ आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद टाटा सर्विस सेंटर। अब मुझे नहीं पता सारे अच्छे होते हैं पर जिससे मैं कराता हूँ वो तो बेस्ट है। और उन्होंने थरोली चेक किया, उन्होंने मुझे ये भी बताया कि जैसे मुझे डाउट था कि रनिंग पीरियड में आप स्पोर्ट्स मोड पर चला सकते हो क्या या थोड़ा सा रीजनेबली अच्छी स्पीड पर चला सकते हो, तो उन्होंने मुझे ये भी क्लियर कर दिया कि ऐसा कोई इश्यूज अब नहीं आते हैं गाड़ी के अंदर, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया है।